अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अलमीम। चलिए अनस भाई है हमारे साथ वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। वालेकुम अस्सलाम। अनस भाई, आज तक हमने सारे शूट किए जो एक यूनिको गुड फार्म पर करे थे। जी जी। आज जो एक लोकेशन है वो हमारा अलमीम का है। जी। पूरा वीडियो देखिए, पूरा स्टोरी जो है समझ में आ जाएगा। माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत चीज लेकर बैठे हैं अनस भाई, बताइए। जी, ये व्हाइट आइस के अंदर पतीरा है, माशाल्लाह पूरा स्पॉटलेस है। स्पॉटलेस है, पूरा स्पॉटलेस है, पूरा पिंक है। अनस भाई, स्पॉट की गारंटी रहेगी कि कोई स्पॉट नहीं है? जी जी जी, बिल्कुल स्पॉटलेस है। जी, ये बकरा हम लोगों को बता दूं, ये बकरा इस वीडियो में हम दो बकरे दिखाएंगे। जी। दोनों बकरे एक महीने से अलमीन पर है। जी। क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि जैसे कि अभी यूनिको गुड फार्म वाइंड अप किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वापस से वो शुरू होगा आफ्टर रमजान। जी, रमजान के बाद कुर्बानी का माल आने वाला है। कुर्बानी का माल आएंगे, तो उसके लिए जरूर से वीडियोस भी आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिए, यूनिको गुड फार्म से बने रहिएगा, रमजान के बाद कुर्बानी वाला माल इंशाल्लाह। चलिए, तो ये इसके बारे में हम बात करेंगे। अनस भाई, इसको थोड़ा इधर निकाली, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाइट आइज में है, स्पॉटलेस में है, यहाँ पर है एक महीने से। अनस भाई, 5 केजी तो इतना फटाफट गेन किया पहले महीने। जी, जबकि कोई बकरा नया आता है। जी, तो 5 केजी पहले महीने गेन करना जी जी डिफिकल्ट रहता है, लेकिन माशाल्लाह सेट बकरा है। मुझे बताइए क्या दांतों पर है ये? अभी छठा दांत जस्ट किया इसने, फ्रेश छठे दांत किया है। जी। और सुचन भाई, इसका रिजल्ट भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाइट कितना होगा? हाइट इसका 35 के आसपास है। 35? जी, 35 के आसपास हाइट रहेगा। जी। शॉर्ट में बिल्कुल पतीरा, कान वान बिल्कुल नॉर्मल साइज में, लेकिन व्हाइट आइज में, व्हाइट आइज में शाइनिंग भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप इसको रिकमेंड लोगों को किस चीज में करेंगे? ब्रीडर के लिए? ब्रीडर के लिए बहुत अच्छी चीज है। जी, हमने ब्रीडिंग में यूज किया है, लिया है मैंने इसका रिजल्ट, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। ब्लैक बकरी पे भी व्हाइट बच्चा डालता है। ब्लैक बकरियों पे व्हाइट बच्चा? कोई वीडियो क्लिप्स रहेगी हमारे पास? नहीं, इसका बच्चा मैंने सेल कर दिया है। बच्चे तो सेल कर दिए, सेल कर दिया। कोई क्लिप वगैरह कुछ इसकी होगी? नहीं, क्लिप नहीं होगी। नहीं होगी। ओके, ये ट्रस्ट की बात है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। जी जी जी। चलिए, अभी हम इसकी प्राइस की बात करेंगे। अनस भाई, कितना मांगेंगे हम इसका? इसका मैं 45 मांग रहा हूँ। 45,000 जी जी। कॉट कर रहे हैं, लेकिन नेगोशिएबल रहेगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अगर किसी को लाइव देखना है तो अलमीम का, अलमीम पे आके देख सकते, अलमीम पे भी आके देख सकते हैं, मेरे को भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर वीडियो क्लिप्स वगैरह चाहिए? जी। जैसे ये भी कोई एडिट वाली क्लिप है नहीं, नॉर्मली है। जी जी, इसमें जी जो दिखेगा वो उसमें भी वही दिखेगा। जी जी जी। इनकेस आपको वेट वजन का या हाइट का वीडियो चाहिए तो आपको अलग से इंशाल्लाह मिल जाएगा। चलिए अनस भाई, ये पहले वाला हो गया, मुंडा है। मुंडा अनस भाई, एक आपसे एक पूछना चाहूंगा कि ये अगर कोई बकरा ब्रीडिंग के लिए तो अगर मैं बोलूंगा कि कोई अगर सोजर यूज कर रहा है जी, उससे शायद ये बेटर ऑप्शन बेटर ऑप्शन सोजर करते तो बहुत ही बेहतर है ये। बहुत ही बेटर ऑप्शन है। लेंथ है, अभी तो अनंत छठे दांत अभी निकाले, अभी जस्ट निकाला, बहुत नॉर्मली छोटा दांत है, छठा भी बहुत छोटा दांत है अभी, छठा भी तो, लेकिन अभी तो जस्ट मतलब एकदम यंग है, काफी लॉन्ग टाइम किसी को चल सकता है। जी जी जी। ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया करेंगे हम, ऑल ओवर इंडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, चलिए ये पहला हो गया, छोड़ दो इसको अनंत भाई थोड़ा। अनंत भाई जी, ब्रीडिंग कंप्लीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बकरी करवाई थी कुछ अंदाजा? इसकी मैंने समझो ना कि 7 से 8 बकरी करवाई थी। ओके, और कुछ बकरी गाभन भी थी, और गाभन ही हमने बेच दी इसको। अच्छा जी। ओके, चलिए ये दूसरे वाला है, ये सिंग वाला है ना? ये सिंग वाला है, और ये सोजत में है। सोजत में है? जी, सोजत में है। ओके, मुझे इतना खूबसूरत सोजत, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। जी जी, बहुत खूबसूरत। सिंग वाले का एक रुबाब अलग रहता है। जी जी, लेकिन मुंडे के शौकीन अलग रहते हैं। और ये बकरा भी माशाल्लाह बहुत ही गर्म है, बहुत गर्म बकरा है, बहुत गर्म बकरा है, नॉर्मल आइज में है। जी जी। शायद ये हाईपेड में जाएगा। जी, हाईपेड में जाएगा ये। जी जी। ओके, नॉर्मल आइज में है, पिंक स्किन में है। इसमें इसको स्पॉट, इसको स्पॉट पैर में थोड़ी इसकी पट्टी आई हुई है, खुर में पट्टी हाँ, है, और कान के अंदर भी थोड़ा हल्का सा स्पॉट है, कान के अंदर स्पॉट है। जी, वो भी है। वैसे हमेशा यूनिको गुड फार्म भी जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ही काम करता है। जी जी, धोखे धड़ाके वाली बात होती नहीं है। खुर में पट्टी है, खुर में पट्टी है। अभी भाई, इसको आप किस चीज में रिकमेंड करेंगे लोगों को? ये भी ब्रीडिंग के लिए अगर ले तो बहुत ही बेहतर है, ब्रीडिंग के लिए इसको। और अनस भाई, मैं तो ये भी बताऊंगा लोगों को कि अभी कुर्बानी का टाइम आना शुरू हो चुका है, लोग बकरे ढूंढ रहे हैं कुर्बानी के लिए, रेडी करने के लिए, जो खूबसूरत कुर्बानी करते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन, उसी के लिए भी बेस्ट ऑप्शन। अगर पल्टी में रखना हो बकरे तो पल्टी के लिए भी बहुत ही अच्छा बकरा है। अभी क्या डिटेल्स रहेगी इसकी? अभी तो ये दो दांत पे है, ये दो दांत पर है। जी। ओके, फ्रेश दो दांत है, देख लीजिए एक बार।
बिल्कुल फ्रेश 2000, बिल्कुल फ्रेश 2000, ओके। और अनंत भाई इसके हाइट इससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, 36 रहेगी, 36 के आसपास होगी, 36 रहेगी ना। और 2000 है वजन इसका, अराउंड उसका 60 kg के आसपास है, 60 kg पूरा पिंक में है, थोड़ा करीब से दिखा दो, बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत खूबसूरत रुबाबदार कलापट्टी। अनंत भाई ये तो कुर्बानी वाले भी ले सकते हैं, ले सकते अगर प्रिपेयर करना हो, ये साल के लिए भी हो जाएगा और पलटी के लिए भी रख सकते हैं इसको, दोनों वैक्सीनाइज्ड है ना, जी जी वैक्सीनाइज्ड है, मैं दोनों तो बोलता हूँ जिसको भी चाहिए, ये बकरा जो हमारे अलमीन के कस्टमर है कुर्बानी वाले, जी जी उनको भी रिकमेंड करूंगा आप ये बकरा लो, यहीं पे पलाई पे छोड़ दो, बेस्ट ऑप्शन है। अनंत भाई दूसरी चीज की हमारे सूरत में जी ऐसे बकरे ये साइज में लोग बकरे लेते हैं, फिर उसको खसी करते हैं, खसी करते मतलब चाप करते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए बनाते हैं, क्या बकरा बनाते हैं वो लोग जी। और ये मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि ये बकरा पलटी के लिए रख दे तो बहुत ही माशाल्लाह आगे चल के निकल सकता है, बहुत निकलेगा, अभी तो सीना वीना सब कुछ खुलना बाकी, दो दांत पर बहुत अच्छी कंडीशन पर, दूसरा के इसका फेस और इसके पैर भी शिशम में देखो, तुम पैर भी देखो, डबल हड्डी का बच्चा है माशाल्लाह, मजबूत पैरों में जी, मजबूत पैर का बच्चा है, मजबूत पैरों में जी। चलिए ठीक है माशाल्लाह। अनस भाई इसका कितना मांगेंगे? इसका 42 मांग रहा हूँ, 42 नेगोशिएबल हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा ना जी। ओके बहुत खूबसूरत चीज, मार्बल सींग में, थोड़े सींग भी दिखा दूं मैं आपको करीब से, एकदम मार्बल सींग, सींग में कुछ पट्टी रहेगी जी। फिर भी अगर जिसमें एक चीज है कि आप एकदम से सोजन वगैरह कुछ इस्तेमाल कर रहे हो ब्रीडिंग में, ये बेटर ऑप्शन, बेटर 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 ऑप्शन है, बेटर है। और कुर्बानी के लिए मेरे को तो एक बहुत समझ में आ रहा है, जिसको कुर्बानी करना तो 24 के लिए बहुत अच्छी चीज बनेगी। चलिए ठीक है अनुज भाई, इस वीडियो को हम यहाँ खत्म करेंगे, ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो जाएगा इंशाल्लाह, हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट का जो चार्जेस है वो कस्टमर का, कस्टमर का। चलिए कॉन्टेक्ट कीजिए दोनों के लिए, नंबर जो है अनुज भाई का स्क्रीन पर रहेगा, ठीक ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।